जूनियर एसपी दयाशंकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही जांच को लेकर पूर्णिया दलित संगठन के लोगों में काफी आक्रोश है। पूर्णिया के अंबेडकर सेवा सदन में दलित समाज के विभिन्न प्रकोष्ठों के लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें पूर्णिया एसपी दयाशंकर के खिलाफ हो रही जांच का विरोध तो नहीं किया गया, किंतु कई सवाल खड़ा करते हुए इसे जातीय दुर्भावना से जोड़कर देखा गया और कहा गया कि भ्रष्टाचार का आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु जब तक यह साबित नहीं हो जाता है तब तक किसी को भ्रष्टाचारी कहना कहीं से उचित नहीं है। और पूर्णिया एसपी के खिलाफ मुट्ठी भर के लोगों ने इस तरह का माहौल बनाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है, जो लोग खुद महाभ्रष्टाचारी हैं। इसीलिए दलित संगठन एसपी साहब के साथ है और उनको पूर्णिया में एसपी के पद पर रहते हुए निर्दोष साबित करने का भरपूर मौका सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, और जब वे अपने को निर्दोष साबित नहीं कर पाएंगे तभी किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा दलित संगठन पूर्णिया में जबरदस्त आंदोलन करेगा। कई लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि पूर्णिया में विजिलेंस की टीम के द्वारा अभी तक जितने भी कर्मचारियों अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है वे सारे के सारे दलित, महादलित या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं। इसीलिए इससे साफ साबित होता है कि मुट्ठी भर के लोग दलितों पिछड़ों के विकास से काफी चिढ़े हुए हैं और वैसे लोग जानबूझकर राजनीति कर दलितों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वे लोग भ्रष्टाचार का सपोर्ट नहीं करते हैं, किंतु अगर सरकार या कोई संस्थान निष्पक्ष रूप से जांच करेगी तो अधिकांश कर्मचारी अधिकारी आय से अधिक संपत्ति मामले में पकड़े जाएंगे, किंतु कार्रवाई केवल जाति देखकर की जा रही है, जिसका वे लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं संदर्भ में रंजित पासवान ने कहा कि पूर्णिया एसपी दयाशंकर ने अभी तक शराबबंदी मामले को लेकर, साथ ही क्राइम मामले को लेकर जितनी कार्रवाई की है, पिछला रिकॉर्ड देखने से आपको पता चलेगा कि सबसे बेहतर कार्यकाल एसपी दयाशंकर का ही रहा है। इसके बावजूद इनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र की जा रही है। अगर दोषी पाए जाते हैं लोग सजा मिलनी चाहिए। एससी एसटी कर्मचारी संघ के हम जिला अध्यक्ष हैं, हमें लगातार फोन आ रहा है, हमारे राज्य इकाई पटना से हमारे जो महासचिव हैं देवेंद्र रजक जी, उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इस तरह की घटना न घटे कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। और जब मैं आँख खोल कर देखने लगा तो हमें थोड़ा सा दुख जरूर हुआ कि कानून अपनी जगह पर काम कर रही है, विजिलेंस वाले काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वह काम होना चाहिए, जो नियम के अनुसार काम होता है वह होना चाहिए। लेकिन किसी ऑफिसर को बिना जांच के भ्रष्ट बता देना, बिना तथ्य के आवश्यकता से अधिक गिरा हुआ पता देना, हमको लगता है यह बहुत ही गलत। अच्छा, कौन है जो भ्रष्ट बता दिया और गिरा हुआ पता दिया? मैं पेपर में देखता हूँ, हमें पता चला है, मैं जानता हूँ उनके परिवार को भी, उनके उनकी पत्नी है खुशबू मैडम, एसपी साहब की पत्नी, बहुत बड़े परिवार से हैं, उनके पिताजी भी डीएसपी थे, उनके दादाजी आर के पासवान जाने माने चिकित्सक थे, उनके परिवार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यह सब जानता हूँ। लेकिन इस तरह से इतने करोड़ रुपया निकल गए, इतने मशीन जा रही है और मशीन रुपया नापने वाला गिनने वाला जब मशीन जा रहा है, यह जांच करने वाले को जांच में भी दिक्कत डालने वाला न्यूज़ है। सर, क्या लगता है कि एसपी साहब के खिलाफ राजनीति हुई है या फिर कुछ सर, और हुआ सर, है? सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बात है कि विगत जितने सालों में जितने लोग पर विजिलेंस की कार्रवाई हुई उसमें से अधिकांश भ्रष्ट ऑफिसर जो निकले वह एससी एसटी के ही थे? बताएं आप, क्या भ्रष्टाचार सब एससी एसटी लोग करते हैं? तो फिर वजह क्या लगता है आपको? जांच चल रही है, जांच अच्छा होना चाहिए और पदाधिकारी के अनुसार जैसे लोग हैं, उनका नियम कानून सबके लिए बराबर है। जिस तरह से सर आपने कानून सबके लिए बराबर है, कानून को पेशेंस रखना चाहिए, जनता को भी पेशेंस रखना चाहिए, हमारे मीडियाकर्मी को भी पेशेंस रखना चाहिए कि कानून इस तरह का न्यूज़ ना दें कि कानून जो वह जांच है जांच प्रक्रिया में कोई असर। लेकिन सर, जिस तरह से आपने सवाल किया कि जितने भी अभी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ाए हैं उसमें से अधिकांश एसटी एसटी के ही लोग हैं जी, एससी एसटी के अगर लोग हैं इसका मतलब तो निश्चित रूप से साफ सामने आता है आपका आरोप कि एसटी एससी के लोगों के साथ एक राजनीति हो रही है, इनको राजनीति मैं नहीं कहूँगा, मैं कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ, राजनीति पर इस तरह का सवाल उठना क्या लगता है किस तरह की बात है? निश्चित तौर पे जिस तरह से आप लोग भी इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं कि देखिए कार्रवाई होना, विजिलेंस का कार्रवाई होना, निगरानी का केस होना,
न्यायालय से वारंट निर्गत होना, ये सारा एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसमें हमको बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना है। वो किसी के भी साथ हो सकता है, आरोप लगना किसी के साथ भी हो सकता है, आरोप गठित होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आरोप सिद्ध करना वो बड़ी बात है। और जहाँ तक इनके यहाँ दयाशंकर जी पूर्णिया पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ जो विजिलेंस की रेड हुई है निगरानी की, तो उसमें सुबह से जो माहौल बन रहा था पूर्णिया का कि 76 लाख 75 लाख रुपया बरामद हो गया और नोट गिनने की मशीन जा रही है, सोना तोलने का तराजू जा रहा है, ये एक माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया पूर्णिया में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, जिससे मुझे लगता है कि मीडिया के साथी भी गुमराह हो गए। और मीडिया को मैं दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन मीडिया भी माहौल पे न्यूज बना देती है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मीडिया को भी तथ्य की जानकारी लेकर के ही, सही जानकारी लेकर के ही उसको ब्रीफ करना चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है कि 2,96,000 रुपया नगद बरामदगी इनके आवास पर हुई है, पटना के आवास पर 1,52,000 रुपया की बरामदगी है, और कुछ ऑर्नामेंट्स है जो स्त्री धन होता है, लॉ भी है, कानून भी है उसमें कि स्त्री धन पुरुष के वो पूंजी में या उसके इनकम में नहीं काउंट होता है, वो उसका मेटरनल साइड भी हो सकता है, उनको गिफ्ट मिल सकता है, उनके पिताजी पुलिस पदाधिकारी रहे थे, दादाजी भी रहे थे और वो संपन्न परिवार से थे। तो मैं ये बड़े व्यथित रूप से कहना चाहता हूँ, बड़े दुखी रूप से कहना चाहता हूँ कि सही मायने में हमारे जो पूर्व साथी ने आपको बयान दिया है कि अगर दलित वर्ग का बच्चा पढ़ लिख करके बड़ी मुश्किल से एक साइकिल खरीद लेता है, और साइकिल खरीद करके अगर वो कुछ पद पर आ जाता है और मोटरसाइकिल खरीद लेता है, तो एक भ्रांति फैल जाती है कि जरूर ये चोरी करके खरीदा होगा, ये जरूर कहीं से लूट के लाया होगा। लेकिन जो पहले से भ्रष्टाचारी हैं, पूंजीपति हैं, सामंती लोग हैं, अगर वो एक स्कॉर्पियो से फॉर्चूनर पर आ जाते हैं, उसकी महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं, लैंड रोवर, तो उनको कहा जाता है कि ये तो खानदानी रईस है। लेकिन आपका एक गरीब बच्चा, दलित वर्ग का बच्चा, बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, पिछड़े वर्ग का बच्चा अगर पढ़ करके जिला पदाधिकारी और IAS IPS होता है, तो वो उस अगर वो कुछ अच्छा संपन्न रूप से अपने बाल बच्चों को रखना चाहता है और संपन्न जिंदगी जीना चाहता है, तो वहाँ के लोगों की मानसिकता है कि वो भ्रष्टाचारी है। अच्छा, ये जानना चाह रहे हैं आपसे, क्या आप ये चाहते हैं कि ठीक है SP रहे या DM रहे या कोई वरीय अधिकारी रहे, कर्मचारी रहे, जब इस तरह की जाँच हो रही है तो सभी का होना चाहिए? निश्चित तौर पे मैं खुद रूलिंग पार्टी में हूँ, मैं प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ हूँ जनता दल यूनाइटेड का, और मैं माननीय नीतीश कुमार जी के इस कार्रवाई से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर पूरी तरह से लगाम लगना चाहिए, लेकिन अफवाह के बुनियाद पर नहीं। अगर आप अफवाह के बुनियाद पर किसी सम्मानित आदमी के ऊपर अगर आप इस तरह का माहौल होता है और उसमें कुछ शरारती तत्व हवा दे करके उसको दागी बनाता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो ये मेरे समाज पर एक तरह का हमला है, हमारे दलित समाज पर ये हमला है। मैं चाहूँगा कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। क्या आप कोई ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? हर जगह देखिए भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पर लगाम लगे, और सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है और उसी की कड़ी में जो आप देख रहे हैं होता रहता है। लेकिन जो तरीका अपनाया गया, जो यहाँ का तरीका था, पूर्णिया का तरीका, मैं यहाँ के स्थानीय मुद्दे पर, स्थानीय लोगों की बात कर रहा हूँ, जो उस पदाधिकारी के बारे एक माहौल बनाया गया कि भ्रष्टाचारी है, आप मुझे बताइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 5 टर्म के पुलिस अधीक्षक महोदय से बेहतर कार्यकाल पुलिस अधीक्षक दयाशंकर जी का रहा है कि नहीं। इनके कार्यकाल में बिहार सरकार की जो शराबबंदी है, जो भी नशाबंदी है, सबसे अधिक काम इनके रीजन में हुआ है। अगर आप डाटा मांग करके देख लेंगे, सबसे ज़्यादा इनके कार्यकाल में शराब पकड़ा गया है, स्मैक कब पकड़ा गया है, आप कभी सुने थे कि मोबाइल चोरी हुआ या छिनता हुआ मोबाइल वापस मिला है? ये मोबाइल रिकवरी कर करके लोगों को, पूर्णिया की जनता को वापस अपने कार्यालय में सम्मानित बुला करके मोबाइल देने का काम किए हैं। मोटरसाइकिल रिकवरी होता है, जितने तरह के अपराध है उस पर अंकुश लगता है। अच्छा। एक बच्चा किडनैप होता है, 5 घंटे में रिकवरी होता है। इतने काबिल अफसर के बारे में अगर यहाँ सामाजिक स्तर पर अगर कोई भ्रष्टाचार और दागी और बदनाम करने का नियत से काम करेगा, तो पूर्णिया का अनुसूचित जाति समाज उसको जवाब देने का काम करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इनके ऊपर दाग लगा है, मैं चाहूँगा और मैं सरकार से भी मांग करूँगा, हम सभी लोग सरकार से लिखित तौर पर मांग करेंगे
करके इनको यहाँ रह करके अपने बेदाग होने का सबूत देने का मौका दिया जाए। पूर्णिया में इनको पूर्णिया में तब तक यहाँ से नहीं हटाया जाए जब तक ये अपने आप को बेदाग नहीं साबित कर दें। आरोप लग गया यहाँ से, अगर ये चले जाएंगे ये पूरे अनुसूचित जाति के ऊपर दाग लग जाएगा, पूरे अनुसूचित जाति समाज का सम्मान चला जाएगा। इसलिए इसका यहाँ के लोगों का मनोबल टूट रहा है। मैं चाहूँगा और सरकार से मांग करूँगा कि ये इनको यहाँ पर रह के अपने कोर्ट में न्यायालय में अपने ये आप को साबित करें कि मेरे ऊपर जो दाग लगा है उसमें मैं बेगुनाह हूँ और निर्दोष हूँ। ऐसा मौका मिलना चाहिए। अगर दोषी पाए जाते हैं लोग उससे राज मिल जाए। एससी एसटी कर्मचारी संघ के हम जिलाध्यक्ष हैं, हमें लगातार फोन आ रहा है। हमारे राज्य इकाई पटना से हमारे जो महासचिव हैं देवेंद्र रजक जी, उन्होंने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा इस तरह की घटना न घटे कि उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। और जब मैं आँख खोल कर देखने लगा तो हमें थोड़ा सा दुख जरूर हुआ कि कानून अपनी जगह पर काम कर रही है, विजिलेंस वाले काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ, काम होना चाहिए, जो नियम के अनुसार काम होता है वो होना चाहिए। लेकिन किसी ऑफिसर को बिना जांच के भ्रष्ट बता देना, बिना तथ्य के आवश्यकता से अधिक गिरा हुआ पता देना, हमको लगता है बहुत ही गलत। अच्छा, कौन है जो भ्रष्ट बता दिया और गिरा हुआ पता दिया? मैं पेपर में देखता हूँ, हमें पता चला है, मैं जानता हूँ उनके परिवार को भी, उनके उनकी पत्नी है खुशबू मैडम, एसपी साहब की पत्नी, बहुत बड़े परिवार से हैं। उनके पिताजी भी डीएसपी थे, उनके दादाजी आर के पासवान जाने माने चिकित्सक थे। उनके परिवार में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, यह सब जानता हूँ। लेकिन इस तरह से इतने करोड़ रुपया निकल गए, इतने मशीन जा रही है और मशीन रुपया नापने वाला गिनने वाला जब मशीन जा रहा है, यह जांच करने वाले को जांच में भी दिक्कत डालने वाला न्यूज़ है। सर, क्या लगता है कि एसपी साहब के खिलाफ राजनीति हुई है या फिर कुछ सर, और हुआ सर, है? सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है कि विगत जितने सालों में जितने लोग पर विजिलेंस की कार्रवाई हुई उसमें से अधिकांश भ्रष्ट ऑफिसर जो निकले वह एससी एसटी के ही थे? बताएं आप, क्या भ्रष्टाचार सब एससी एसटी लोग करते हैं? तो फिर वजह क्या लगता है आपको? जांच चल रही है, जांच अच्छा होना चाहिए और पदाधिकारी के अनुसार जैसे लोग हैं उनका नियम कानून सबके लिए बराबर है। जिस तरह से सर आपने कानून सबके लिए बराबर है, कानून को पेशेंस रखना चाहिए, जनता को भी पेशेंस रखना चाहिए, हमारे मीडिया कर्मी को भी पेशेंस रखना चाहिए कि कानून इस तरह का न्यूज़ ना दें कि कानून जो वह जांच है जांच प्रक्रिया में कोई असर। लेकिन सर, जिस तरह से आपने सवाल किया कि जितने भी अभी भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ाए हैं उसमें से अधिकांश एसटी एसटी के ही लोग हैं जी, एससी एसटी के अगर लोग हैं इसका मतलब तो निश्चित रूप से साफ सामने आता है आपका आरोप कि एसटी एससी के लोगों के साथ एक राजनीति हो रही है, इनको राजनीति मैं नहीं कहूँगा, मैं कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ, राजनीति पर मुझे बोलने का कोई गति नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन सिस्टम पर मैं सवाल कर सकता हूँ, सिस्टम और सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी का इतना अपमान हनन नहीं होना चाहिए। अभी तक लगता है कि एसपी लेवल के जो अधिकारी हों और पूर्णिया में इस तरह का अपमान हानि हुआ है उनका जी सरासर है। मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनके अगेंस्ट कुछ होता है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है समाज में, वो निश्चित रूप से उनके मान सम्मान को धक्का देने वाली बात है। हमें मेरा स्पष्ट कहना है, कर्मचारी का कहना है, यहाँ से पटना तक के लोगों का कहना है कर्मचारी का कि भाई जाँच जो न्यायिक प्रक्रिया है वह निश्चित रूप से चले, जो न्यायिक प्रक्रिया के बाद वाली बात वही निश्चित रूप से चले, लेकिन उससे आगे बढ़ करके समाज में उनका मान मर्दन मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया सर। टच ग्रुप है, यहाँ मिला, पटना में मिला, अब पैसा गिनने वाली मशीन जा रही है, इतने के जेवरात मिले, अभी विजिलेंस का कार्रवाई शुरू भी नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया। आज अभी भी हम एक सोशल मीडिया पर ही देख रहे थे, यहाँ के ही कुछ लीडर हैं, वो बता रहे थे कि जिस दिन से एसपी साहब यहाँ आए हैं उसी दिन से वसूली शुरू हो गई।
तो भाई आप विपक्ष में रह थे, आज सत्ता में आए हैं, हम भी सत्ताधारी दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप उस दिन आवाज़ नहीं उठाए और आज आप ये बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, हम ये 100% दावे के साथ कर सकते हैं कि किसी खास जाति को टारगेट करके, दलित एससी एसटी को टारगेट करके ऊंचे पद पर बड़े बड़े बड़ी जाति के लोग देखना नहीं चाहते हैं। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाना पसंद करते हैं, उसी का शिकार हुआ है यहाँ के एसपी, इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। अगर ये दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है, इनको अगर टारगेट किया जाता है, इस बात को एससी एसटी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों को रोड पर उतरना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन जो आरोप लगा है उनको सत्य साबित करना पड़ेगा, यहीं रहकर पारदर्शी रूप से यहीं रहकर करना पड़ेगा। और यहाँ रह के अगर जब वो सत्य नहीं है तो कैसे साबित करना पड़ेगा कि सत्य ही है? साबित करिए, नहीं तो उसको निर्दोष साबित करना पड़ेगा। अब ये नहीं तो निर्दोष साबित करना पड़ेगा, जो आरोप लगा है साबित कीजिए, नहीं तो उसको आप बताइए कि वो निर्दोष है। जैसे आप इससे पहले देखे थे, मोबाइल छूट गया डीएसपी का, मोबाइल मिला सहरसा में जाके, लांडे साहब वाला घटना तो सबको सब जानते ही हैं, बाद में क्या हुआ, हो गया दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए मेरा मानना है कि देखिए, मेरे नेता कहते हैं जब मंदिर ही नहीं रहेगा तो घंटी कौन बजाएगा, इसलिए हम जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति में एक दो कभी कभी आगे बढ़ता है, एक तो वहीं कॉलेज लेवल में उसको दबा दिया जाता है, और वहाँ से भी किसी तरह बच के आते हैं तो यहाँ उसको बड़ी मछली जो है छोटी मछली को हमेशा निगल लिया करता है, तो उसी का शिकार हुए हैं। इसलिए हम लोग आज मीटिंग कर रहे हैं और इस बैठक में ये तय हो रही है कि ये जो आरोप लगा है ये अगर सत्य है तो कोई बात नहीं, अगर असत्य है तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।